हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस को बंद करेंगे। ये है ओप्पो के मोबाइल में। फ्रेंड्स, सेगमेंट से पहले एक बार और कहूंगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शंस पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, काफ़ी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको दिखाऊँ यहाँ पर। मैंने देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी नोटिफिकेशन आया हुआ है, सभी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते करते थक जाएंगे, इतना नोटिफिकेशन हर समय आता रहता ही है। तो प्लस किसी भी ऐप्स के नोटिफिकेशन आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। आपको सेटिंग बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली किसी भी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगमन से पहले एक बार और कह चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको ओपन कर लेना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको मैनी एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। किसी भी एप्लीकेशन ऐप्स के नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं यहाँ से इजीली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद करने की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन है जिसका आता है, जिससे आप परेशान हैं उसे आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे आपको बंद कर देना, ऑफ कर लेना है यहाँ से। देखिए, इस तरीके से जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। देखिए, यहाँ से आप बंद कर सकेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी किसी भी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।